हेलो गाइस, मैं हूँ शारदा। वेलकम टू शारदा फैमिली व्लॉग्स। आज हम आपको हाउस टूर कराने वाले हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद दिस बेड। सो एक्चुअली हम इंडिया में, ये इंडिया से हमने एक बेड लिया आया था। एक्चुअली हमने कभी हाउस टूर नहीं कराया हुआ, ये हम हमेशा से ऐसा नहीं, ऐसा हमारा घर नहीं था ऐसे हमेशा से। पर क्योंकि वो कल हम हमारे बेड आए थे सारा सामान जो इंडिया से लाया हुआ था, उन चलो दिखाते हैं आपको। इंपोर्ट किया है ये कंटेनर से, इंडिया से लेके यहाँ पे इंपोर्ट कंटेनर में किया था हमने उधर से। और समय मैं आपको बेड दिखाती हूँ पहला। तो ये एक बेड है, इसके साथ ही ये आया होगा ना पापा, इसके साथ आया था ये बेड साइड इसके साथ आया था। इससे अटैच हुआ होगा क्या? नहीं, अटैच नहीं है, पर अटैच नहीं है ऐसे, इसके साथ है क्योंकि इसका जो इस साइड में वहाँ से मैच करता है ना यहाँ पे। और यहाँ पे ये साइड है बेड का, इसके लिए लाइट भी आती है। इस पर अभी चलती नहीं है लाइट, अभी हमने ये फिक्स कराया था, इस पर अभी लाइट नहीं चलती। हम करूँगी कोशिश इसको लाइट सो बन जाए, फिर स्टैंड से स्विच चेंज करूँगी यहाँ से। दूसरी बेड साइड, इसके अंदर अहम चीजें पा सकते हैं। इसमें तो ऐसे लाइन भी बनाई हुई है, ऐसे बहुत सुंदर है, मुझे ये अच्छा लगा। और मेरे मम्मा और पापा सोंगे यहाँ पे। और ये है एक कबर, इसको टेबल है ये, सॉरी। इसमें सामान पाया हुआ है, इसकी मेकअप स्टफ, एक्सेसरी, सारा कुछ पाया हुआ है ऐसे। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिरर लगाया हुआ है साइड पे, नीचे भी है, ये हेयर ड्रायर रखा हुआ है इधर, और ऐसा सामान है। और ये यहाँ पे साइड पर कुछ रख सकते होंगे मे भी, हाँ ये है। ऊपर वो फोटो भी लगाई हुई है, हमारे बचपन की है जब हम छोटे थे। सामने एसी लगा हुआ है यहाँ पे, जो पहला का लगा हुआ है एक्चुअली, पर ऐसे लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे, हमने दिखाया हुआ नहीं है ना घर से, इसलिए मैं बता रही थी। यहाँ पे ये एसी लगा हुआ है, लाइट्स है, सारा कुछ यहाँ पे। पहले रखते थे ये जो सारा सामान इसमें था ना, यहाँ पे रख गया था। और पता नहीं क्या रखूंगी मम्मा, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, पर मैं भी साफ करूंगी थोड़ा सा इसको। आपको लॉन्ड्री रूम दिखाऊंगे, ये मम्मा बना रही है मखाने, इसका मखाने है ना, मखाने यहाँ पे है कबर्ड, इसमें अभी ऊपर ऊपर तो खराब है। हमने अंदर मेरी फ्रेंड के साथ मैंने सेटिंग की थी, मम्मा ने हेल्प कराई, यहाँ पे हमने सेटिंग की थोड़ा सा। यहाँ पे नीचे भी ऐसे थोड़े से ड्रॉर्स है, यहाँ पे देखो हमने सेट तो किया है हमने थोड़ा अंदर से, पर बाहर से थोड़ा सा ऊपर से। और दूसरा साइड भी आएगा इसका, दो है मे बी। यहाँ पे है कांच के सारा सामान, यहाँ पे हमने ऑर्डर में किया है, सो जिसने कि ये वाला हमने लंबे लंबे यहाँ पे रखे थे। और ये टाइप ऑफ ग्लास जिसमें ऐसे एंड में कुछ ऐसा चीज होते हैं डिजाइन मंगो, हमने यहाँ पे रखे थे। इस पर भी डिजाइन, पर ये लंबे ऐसे रखा है हमने, सेपरेट सेपरेट रखा है हमने ऑर्डर में। ये दोनों ग्लासेस साथ में जाते हैं, सो हमने ऐसे रखा। और ये दोनों इनके सिर्फ दो सेट थे ऐसे। फिर आगे कांच वाले, ये वाले इसकी कलरफुल वाले जो दिखा क्लियर नहीं होते, जो कलर वाले होते जो क्लियर नहीं होते, ये भी सेम है। इसमें कप होल्डर है, इसमें भी है। और ये था हमने एंड में लिखा था बेस्ट कप, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट ग्रेटेस्ट डैड। अच्छा ये उस पर क्या कब खरीदा था, फादर्स डे पर, हाँ फादर्स डे पर खरीदा था। मैंने तो कुछ और खरीदा होगा, पता नहीं है सारा मैंने क्या खरीदा, मुझे याद नहीं। बस ऐसे सामान पड़ा है ऊपर, हमने बस ऐसे अभी सेटिंग हो रही है ना थोड़ा सा, जब बाहर देखेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको लॉन्च का सामान, ठीक से पहला नहीं हुआ था। सो यहाँ पे ये एक टेबल सा है, बहुत सुंदर है, मैंने एक्चुअली ये ठीक से देखा नहीं है। यहाँ पे पता नहीं ये ड्रॉअर तो नहीं है इसमें, पर हैगा जी,
नहीं यहाँ पे बस सुंदर है, ठीक है, ये अच्छा है। और यहाँ पे सोफा है नमा वाला, और ये हमारे पुराने पिलोज है जी, आप देखेंगे ये फिर से एक सोफा है, ये कुशन मेरा मतलब, सॉरी। और यहाँ पे ये और कुशन है, और हुंडिया वाले है, इंडिया से नए आए हैं, नमे नमे आए हैं। और ये हमारा नमा सोफा बेड है, ये डबल भी हो सकता है जी, आप खोलोगे ना इधर से, ये डबल बेड हो जाएगा, डबल वाला, देखो डबल हो जाऊंगा। इसके नीचे बहुत छोटे छोटे टायर है जो कोई प्रॉब्लम देख नहीं पाऊंगा अभी, अनलेस बेड लिफ्ट हो जाए, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और पर जो आप ये पूरा खोलोगे ना यहाँ पे साइड पर, ये मुझे जे ना हम ऐसे ऐसे कर दोगे ना, ये बन गया बेड, बस थोड़ा सा एडजस्टिंग करनी पड़ती है, ऐसे हो गया, ये ऐसे बेड बन जाता है, और फिर आप बस ऐसे बंद कर दो। पर ये ही नहीं है सिर्फ, ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे ये खोल सकते हैं, ये मुझे आप ऐसे खोलोगे ना, मुझे आ रहा नहीं है, हाँ ऐसे, इसके नीचे हम थिंग्स पा सकते हैं, बेड शीट्स और जो पाना है पा सकते, कपड़े पा सकते जो अभी अभी यूज नहीं कर पाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल जो ठंड है फिर यहाँ पे गर्मियों के कपड़े पा सकते हैं कि अभी यूज नहीं हो पाए, और जो दिखता है अपने वो निकर पा लेता है, जब ये होती है ना ठंड अपनी निकर पा के बाहर रख देता है, जब भी मेरे मम्मा पापा बिजी होते हैं ये अपनी निकरा बाहर कट दे, फिर जब मम्मा आती है फिर चेंज करती है वो, कि फुल स्लीव सारा सब कुछ ऐसा रख देती है। ये आ गया है आदित्य भाई, स्टॉप इट एडिटिंग, आई एम नॉट योर डॉग और समथिंग, कुत्ता ही है। हे डू उनो रिवर्स टू मेरा रिफ्लेक्शन, मेरे रिफ्लेक्शन में दो है कपड़े, अच्छा आगे चलते हैं, आगे आटा चक्की, ये इंडिया से आई है, हमारे फर्नीचर के साथ ही आई है ये, तो ये है एक प्लग, इसको ऐसे प्लग इन करोगे और फिर वो ऑन हो जाऊंगा, और इसके अंदर आप आटा रखोगे ना, और फिर आटा रख के कि ऐसे मिक्स होके इसके अंदर ऐसे आ जाऊंगा पांडे, इसके अंदर आप दाने पाओगे और फिर वहां पे नीचे आटा आऊंगा, और फिर हाँ ऐसा होता है, इसको जिसके प्लग जब भी करूंगे ना स्टार्ट हो जाऊंगा, इसके अंदर दाने पाऊंगे वो आटा वाले दाने, जैसे भी आटा बनता है, और फिर उसके नीचे ऐसे आके यहाँ पे आटा बन जाऊंगा इसके अंदर, अब हम फ्रेश आटा खाऊंगे, और नहीं तो हम शॉपिंग सेंटर में लेते हैं आटा। ये है फ्लावर्स एंड ये रियल फ्लावर नहीं है, ये फेक है ये वाला, पर कुछ रियल डायमंड हुए, और ये कप है ये रियल है, पर पता नहीं ये टूटता नहीं है। ये टीवी है हमारे, ये पुराना ही है टीवी, रिमोट, ये रैंडम स्टफ इस पर रखे हुए हमने, रैंडम नहीं है, पर हाँ कुछ है, ये कुछ बेड के लिए, तो मैं इधर पीछे ना नमा सीक्रेट रूम आ गया, इसके पीछे देखो यहाँ पे बेड सीक्रेट रूम बन गया, और हाँ ये है हमारे ये है फोटो हमारे इंडिया, पानी का, पानी का, जब हम इंडिया गए थे तब की फोटो आए, ये जो मेरे पास ने बना गिफ्ट मिला था, ये कि मुझे बोलने नहीं देता, ये फोटो फ्रेम इसको बर्थडे पर मिला था, जब इंडिया लुक ही पॉइंटिंग एट एवरीवन, इसका बर्थडे इंडिया में हुआ था, इसका बर्थडे इसका सेवेंथ बर्थडे हुआ था तब मिला था, ये इंडिया में किया था नवंबर 9 पर, और यहाँ पे नीचे और भी चीजें, ये फोटो फ्रेम तो पुरानी है, हम हीटर स्लैश एसी, एसी करते हैं, एसी भी होता है इसमें, हीटर भी होता है, हम यूजली हीटर चलाते हैं, अभी ठंड हो रही है ना, गर्मी होने वाली है, बस ये माता जी की भी फोटो है, जय माता दी, और यहाँ पे नीचे एक और ऐसे फोटो फ्रेम है जो हमने कराई हुई है, यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल फोटो फ्रेम है वहाँ पे नीचे,
फ्लावर पॉट है, सारा कुछ ऐसा चीजें होल है, बुक शेल्फ जैसा होगा, ये उसको बुक शेल्फ बोलते हैं यूजुअली। थैंक यू गाइस, प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस वाज आवर फर्स्ट हाउस टूर, जैसे मुझे आपको पता था। और या थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, खत्म। हमने ये फर्नीचर भारत से इम्पोर्ट किया है, तो हमारे को क्या क्या मुश्किलें आई है इम्पोर्ट करने में, कैसे कैसे हमने, हमारे को कुछ भी पता नहीं था कि कैसे इम्पोर्ट करना है, इसका क्या सिस्टम है। तो जो जो हमने किया है, जो जो हमने सिस्टम को हमने पार किया है, तो अनजान होते हुए भी हमने ये फर्नीचर इम्पोर्ट कर लिया है। हमारे को मुश्किल तो बहुत आई, लेकिन क्या क्या हमने कैसे कैसे किया काम, जानने के लिए देखें हमारा अगला वीडियो। मैं जल्दी ही उसको अपलोड करूँगा, मे बी नेक्स्ट वीक। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल शारदा फैमिली ब्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।